ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मैं लिली को फ्रेश करवाने के लिए बाहर लेते आई थी, क्योंकि लिली का ना लेने के लिए जो है वो आने वाले थे लिली को, तो मैंने कहा फ्रेश करवा देती हूँ तो थोड़ा सा ये ठीक रहेगी। और वहाँ जाने के बाद पता नहीं कितना बाद पहुँचेगी, आधे घंटे बाद, और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वजह से समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको फ्रेश उस करवा दिया था। और मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने लग पड़ी थी, जैसे ही पता चला तो मैं बैठी थी चुपचाप और यही सब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जाते समय वीडियो रिकॉर्ड मैंने लिली का इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा इमोशनल टाइम था वो, और मैंने ही कैप्चर कर, मेरा इमोशनल टाइम जब भी रहता है आप देखते होंगे कि मैं कभी भी कैप्चर नहीं करती हूँ क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगता है। तो लिली का शायद ये लास्ट वीडियो होगा, बाकी क्या है क्या नहीं, बहुत निगेटिव कमेंट लिली के जाने पे आया है, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस वजह से मुझे कमेंट ऑफ ऑफ करना पड़ा क्योंकि मुझे ना बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था उस चीज़ उस टाइम, क्योंकि मैं खुद लिली के जाने से क्या हो रहा है मेरे साथ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी एक वीडियो में, और कहाँ है गई लिली और कैसी है कैसी नहीं है, क्या किया क्या नहीं, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों की, और आप लोगों की गलतफहमियाँ दूर करूँगी। जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते समझते हैं उनको उनके लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। 9:30 बज रहे हैं और आज मैं सो के 9:30 बजे उठी हूँ क्योंकि कल लिली जा चुकी है और मेरा उठने का ही मन नहीं कर रहा था। मुझे बहुत यादें आ रही थी, मैं 3 बजे सोई हूँ, उससे सोई हूँ और बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी लिली को। और फिर सोई तो 9:30 बजे उठी हूँ और उठने का मन भी नहीं कर रहा था। सही बताऊँ तो नींद खुल गई थी लेकिन मन नहीं कर रहा था कि उठूँ, क्योंकि जैसे लग रहा था उठूँगी तो किसके पास जाऊँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठती थी सीधे मैं उसी के पास जाती थी। और जो भी है मेरी कंडीशन चलो ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। बहुत लोगों का रॉन्ग कमेंट भी आया कल वाले वीडियो पे, तो मैं उनका जवाब दूंगी, लेकिन अभी मैं उस लायक नहीं हूँ क्योंकि जिस दिन से मैं गिरी हूँ पीछे का तो गर्दन वर्दन ठीक है, आगे का ये गला दर्द कर रहा था तो मुझे लगा खराश है, लेकिन मैं डेली देख रही हूँ कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है आगे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि बोलने में थोड़ी तकलीफ मुझे दे रही है, जैसे खराश हो जाता उस टाइप का। मुझे लग रहा था खराश है लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आप लोगों का जवाब दूंगी, कुछ लोगों का जो लिली के बारे में बहुत कुछ इतना बताने के बाद भी ऐसे कमेंट, आप लोग यार क्या करते हो। एक तो खुद ही मैं लिली की वजह से टूटी पड़ी हूँ, मुझे भी जाने का दुख है, ऊपर से ऐसे कमेंट, मतलब सच में यार अब मैं क्या बोलूँ। इंसान क्या है, लिली कहाँ गई है, कैसे है क्या नहीं है, मैं सब बता दूंगी आप लोगों को। और यही है, और आप लोग को जवाब मिल जाएगा। मैं ऐसी बैठी रहूंगी रूम में तो होने वाला कुछ नहीं है, मूड ऑफ और होगा। मैं रूम से बाहर निकली हूँ फिर आ गई अंदर, क्योंकि मैं जाती थी पहले रूम में, निकलने के बाद मैं लिली के पास 10-15 मिनट बैठती थी फिर मैं कुछ काम करती थी। तो चलते हैं, आज थोड़ा सा सिर भी धुलूंगी, मैं हेयर वॉश करूंगी अपना, बहुत दिन हो गया, तो मिलती हूँ आपको, बिजी रखूंगी तभी शायद। बहुत से रास्तों में ना बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जो मुझे बहुत प्रिय रहेंगी, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ अपना एम बना के रखा है। तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं।
आके आपसे मिलती हूँ और मैं आज बाल भी धुलूंगी। रात में ऑयलिंग मैंने नहीं किया था इसलिए मैं अभी ऑयलिंग कर लूंगी एक घंटे के लिए कम से कम। तो आज मैं जो ऑयल यूज़ करने वाली हूँ मार्स बाई GSC हेयर ग्रोथ ऑयल, और ये ऑयल काफ़ी अच्छा है, मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है यूज़ करते करते आपको बता देती हूँ। पहले तो इसको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये है। यहाँ प्रेस करते हैं, ये लिखा हुआ है प्रेस, यहाँ पे प्रेस करेंगे देन यहाँ से आपको निकल के आएगा ऑयल। ये देखिए एकदम लाइट वेट है ये ऑयल, आपको भारी नहीं लगने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको ना यूज़ कर सकते हो और अपने बालों के जड़ों तक लगा सकते हो। तो चलिए मैं यूज़ करते करते दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से यूज़ करना है इसको। ये गाइस एकदम लाइट वेट ऑयल है, आप पूरी रात रख सकते हो। और पर्सनली बोलो तो इसकी खुशबू मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो इसमें मिल जाएगा ऑनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल और जोजोबा ऑयल। इसमें मिल जाएगा आपको विटामिन ए और ई, जो आपके बाल को ना स्ट्रेंथ देगा और आपके बाल टूटेंगे नहीं। प्लस इसकी एक बात और है, ये एंटी डैंड्रफ से बचाता है, हेयर फॉल कम करता है और साथ ही प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, ठीक है। ये 100% नेचुरल ऑयल है और नो मिनरल ऑयल। ये 200 ml की बॉटल मुझे रिसीव हुई और ये ना ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल है, जैसे कार्डबोर्ड के डिब्बे में मुझे रिसीव हुआ था ये, और कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। और इसमें से ये बॉटल निकलेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो, बाय कर सकते हो। थैंक यू, तो मैं नहा के मिलती हूँ आपसे। लिल्ली ने क्या हाल किया है मेरे शूज का आप देख सकते हैं, एक मिनट किया है लिल्ली ने मेरे शूज का हाल, ये देखिए ख़राब कर दी शूज मेरा काट के पूरा अंदर से। यहाँ पे ये देखिए, ये तो ठीक है, ये देखिए इसको घर के लिए निकाल दूंगी, क्या करूंगी। ये काफ़ी अच्छी वाली धूप और मैं बालों में ऑयलिंग की हुई हूँ तो मैं थोड़ा देर बैठूंगी यहाँ पे। आलू बेटा रेस्ट कर रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं, कह रहा है रेस्ट कर रहा है, कह रहा था बहुत ठंडी लग गई थी तो रेस्ट कर रहा है। इससे मिलने एक दिन आएंगे हम भी दीदी घर पे। हाँ घर पे मिलने आएंगे, आ जाइएगा दीदी। अरे यार ये तकड़ी इसको बताती है, रात में खा ली थी आराम से खाना वाना। हाँ दीदी एकदम आराम पे, कुछ चिल्लाती भी नहीं है यहाँ पे, चिल्लाती यहाँ पे खेलती घूमने का टाइम होता है ना शाम को ना, थोड़ा सा 4 और 5 के बीच में बाहर ले जाओगे ना तो पोटी भी कर लेगी आराम से। ठीक है दीदी, दादी के रूम में जब भी लाते थे वही अपने आप जाते हैं, तुरंत सो जाती है वहीं पे, छोड़ देते हैं। लिली आ आ आ लिली ले लिली ब्रुजो 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 लिली दीदी क्या हुआ? लिली का नाम कौन तो था, लिली और ब्रुजो दोनों? नहीं सामने एक ब्रुजो रहता था ना, इसके साथ खेलता था, उसी को बुला रहे। दीदी वो भी लैब्राडोर था? हाँ वो प्योर नहीं था। लिली लिली आई होप कुछ लोग निगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और प्लीज़ सबको समझने की कोशिश किया करिए, फिर उसके बाद कमेंट किया करिए। यही रिक्वेस्ट है आपसे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।